मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम हर. मैं बॉम्बे एक दो दिन पहले आई एंड आई वॉज ट्रैवलिंग बिकॉज आई वॉज गेटिंग मैरिड एंड आई हैड टू हैव रिसेप्शन फॉर माई फैमिली फ्रेंड्स एंड पीपल हु हैव बीन क्लोज टू मी. तो बहुत अच्छा लगा कि सारा का जो जन्मदिन है वो मेरे आने के बाद का डेट था एंड आई कुड कम एंड मीट हर एंड ऑल द पीपल हु हैव कम हियर टू ग्रीट हर एंड आई एम सो हैप्पी टू मीट एवरीबडी ऑफ यू आउट हियर. एंड मैम ऑल्सो कांग्रेचुलेशन फॉर द न्यू लाइफ न्यू जर्नी. व्हाट डू वांट टू से अबाउट इट? I am just happy because me and Sangram ji have known each other and been with each other for 12 years. अब यही कहना है कि दूसरे reality show में Sangram ji का नाम लिए बिना कोई और उनको मुद्दा उठाना पड़ेगा TRP के लिए because we are married. So that topic is over and done with. Thank you. बर्थडे जो ये आई है ये बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई है. साथ ही लॉकअप मैं जीत तो नहीं पाई लेकिन मैंने बहुत प्यारे रिश्ते जीते हैं जो मेरे साथ फॉरएवर रहेंगे. सो आई एम रियली रियली ग्लैड दैट पायल इज़ हियर. आई एम सो थैंकफुल. ये जाती नहीं है इतना ईजिली किसी की पार्टी में. ये यहाँ आई हैं मतलब रियली मैंने जीता है बहुत सारा प्यार. सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू दैट. एंड ऑफकोर्स शांतनु हमारा गाना आया है बारिश बन के आना जो कि बहुत सब लोगों को पसंद आया है एंड वी रियली वर्क हार्ड फॉर इट. सो थैंक यू गाइज फॉर शावरिंग सो मच लव. कीप शावरिंग इट. वी रियली रियली नीड इट. Sara, what do you want to say about this birthday? We all know this birthday is very special for you.
फर्स्ट टाइम बर्थडे में क्या कहना चाहोगे, किस तरह की मेमोरीज है? बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं. हम लोग इट्स बिन 1.5 ईयर्स वी आर टुगेदर. और लॉकअप में तो हमेशा पीछे पीछे से सबको पता ही था, कानों कानों में सबको पता था दैट देयर इज समबडी स्पेशल, बट हु इज ही वो बाद में आके यू नो मैंने सबको बताया. बट बहुत सारी यादें यार, स्पेशल मोमेंट्स हैं, अब सारी तो नहीं शेयर करूँगी लेकिन यस वी हैव सम पर्सनल वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट्स. एंड मैम व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहोगे? सर आई एम सो हैप्पी टू मीट शांतनु बिकॉज शांतनु यू वर द हिडन थिंग इन लॉकअप एंड नाउ आई एम सीइंग यू इन पर्सन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर स्माइल एंड बी हैप्पी. शी इज अ वेरी वेरी गुड गर्ल एंड we didn't bond that much but there was some bond. You didn't let that happen. I used to always come and ask her, do you trust me? No, I don't trust anybody. But you know my nature by yes, now. Yes, of course. And but when I do bond, yes. I do bond. You just yes. have to call and me. That's what I said, that I have earned some special relations yeah. and I'm so glad that I have that and I'm going to always respect and appreciate that. Thank you so much for making my birthday special by being here. And Sarah, you know, I know. I was the happiest person, though I didn't get the invite, guys. But no, I was just family. Sorry, I'm having a Mumbai reception, and everybody is going to be invited. That's so, also. वो ये अभी sort out कर रहे हैं. उसके लिए मैं मुंबई आई हूँ. मैम पायल जी ने खुशखबरी दे दी है शादी की. हम काफी time से wait कर रहे थे. अब हमारा वेट आपके तरफ है. कुछ कहना चाहोगे? हम हमारा वेट कब खत्म होगा? नेक्स्ट ईयर मे बी इंशाल्लाह. आपकी दुआएं रही तो. क्या स्पेशल किया आज? आज नहीं, मैंने तो कल रात को ही बहुत ज़्यादा स्पेशल किया था उसको. मैं रात को मिला, थोड़े गिफ्ट्स दिए और बहुत सारे सरप्राइजेज बाकी है. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोना कम. और ये अभी बिजी इतनी थी तो मिला चल. आज भी वो रेडी नहीं थी. मैंने बोला नहीं आज निकलना ही है, बाहर निकलना है. तो पहले से मैंने प्लानिंग करके रखा था. थैंक यू गाइज फॉर कमिंग और मेकिंग हर बर्थडे सो स्पेशल. और आज बहुत मज़ा आने वाला है. लॉट ऑफ पीपल आर गोना कम सो होप इट्स गोना बी अ एंटरटेनमेंट. तो एक्चुअली मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, पर जैसे सारा मिल गई तो सोचा चलो अभी ये बोली रही है गाना करते तो मैंने कर लिया. फिर एक अच्छा ऑफर आया था मोहित जी का तो ये बोली कर लो कर लो कर लो. तो बहुत अच्छा गाना बना तो बहुत प्यार मिल रहा है. एंड लेट्स सी अभी आज तो हम स्पेशली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इसके बर्थडे के लिए. तो आज का नाइट बहुत स्पेशल होने वाला है. सो मैंने पारुल टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन आज रखा है ये पारुल की वजह से रखा है क्योंकि मैं बचपन से सेलिब्रेशंस करती आ रही हूँ, पार्टीज़ करती आ रही हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बस हो गया पार्टीज़. बट देन शी सेड नहीं सारा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू सोशलाइज अ लिटिल बिट, यू नीड टू यू नो पार्टी एज वेल, सो डू इट. तो मैंने कहा चलिए ठीक है करते. तो ये स्पेशल है आज के दिन. अदरवाइज मुझे मोस्टली अच्छा लगता है ट्रैवल करना, कहीं बाहर जाना और बहुत सारा खाना और घूमना, फ़ोटोज़ खींच के इंस्टा पर डालना. दुआ कीजिए ना यार क्यों नहीं. सो मेरे इंस्टाग्राम की रिपोस्ट स्टोरीज पे आप देख सकते हैं बहुत सारी विशेस थी. और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पास इतने प्यारे प्यारे लोग हैं जिन्होंने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाया है. सो वहाँ जाके आप देख सकते हैं सभी. ज़्यादातर तो भूल गई हूँ. आज का स्पेशल बनाना चाहती हूँ. आज का बेस्ट होगा. जी आई एम वेरी हैप्पी कि अभी चार गाने और आने वाले हैं. जो अभी मोहित चौहान का सॉन्ग आया था बारिश बन के आना, रियली डिड वेल. और आगे भी यही होप है कि अच्छे करें गाने. एक डांसिंग नंबर है, एक अगेन बारिश का ही नंबर है और दो गाने जो हैं सब विदाई सॉन्ग. सो लेट्स सी
लोगों को क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है? मैम आप क्या कहना चाहोगे? काफी ज्यादा अपकमिंग प्रोजेक्ट उन्होंने बता दिया, आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट? I was busy with my marriage, तो अभी शादी खत्म हो गई. अभी मतलब हाँ यार, अभी शादी हुई है, हनीमून पीरियड चल रहा है. I had to plan the Delhi reception because संग्राम जी कुछ planning करते नहीं है, पूरा back end मुझे करना पड़ता है. And then I was, there was an Ahmedabad reception, तो अभी मेरा मुंबई का एक बार reception हो जाए, उसके बाद जिसमें हम भी invited होंगे. Yes, उसके लिए तो I have like you know started you know making sure that I connect and उसके बाद काम जरूर काम तो करना है. Because I think it's better off to be an actor. I think it is better off to be an actor because मेरी जो भी है, उससे I don't want to be in on the wrong side of the law because बहुत bad. जिस चीज़ से प्यार होता है इंसान को वो ही करना चाहिए. Yes, yes. So that's more important क्योंकि उसके साथ आप justice कर पाते हो. So I would like to be what I am, an actor. And you are an amazing actor. Thank you. थैंक यू गाइज, आप लोगों के सबके मुझे इतने सारे स्टोरीज दिखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे आप सबने विश किया है और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं आप, उसे बरकरार रखिए. थैंक यू सो मच. और आज की पिक्चर्स आपको देखने को मिली जाएंगी फ्रॉम एवरीवेयर, सो स्टे ट्यून्ड. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे सारा. थैंक यू. Thank you.
I feel like
अगर मैं तुम्हें जवाब ना देता तो ये मत समझना कि कायर है मैं। मेरी जान रियल लाइफ में बेटा उस पर भी बड़ा फायर है। She's